हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर ओलंपियाड के SOF फाउंडेशन की तरफ से होने वाले ओलंपियाड एग्जाम के मॉडल पेपर क्लास 5 के लिए। इसमें आप जानेंगे 2022-23 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, उसके सिलेबस क्या रहते हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं। सॉरी, ये सैंपल पेपर एंड सिलेबस 2022-23 के लिए है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास 5 कंप्यूटर्स में 50 रहते हैं और टाइम 1 आवर्स का रहता है। पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम इस प्रकार की रहती है। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा रहता है, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एंड IT एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्यूटर एंड IT से 35 एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस में मार्क्स पर क्वेश्चन 1, कंप्यूटर एंड IT 35 क्वेश्चंस में मार्क पर क्वेश्चन 1 रहते हैं एंड अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चंस मार्क्स पर क्वेश्चंस 3 रहते हैं। चलिए अब इसके हम सिलेबस देख लेते हैं। चलिए इसको सिलेबस को मैंने और थोड़ा से जूम कर देती हूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे। चलिए सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग से हमारा सिलेबस हो जाता है पैटर्न, एनालॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन, जियोमेट्रिकल सेप, मिरर एंड वाटर इमेज, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, पजल टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग। सेक्शन 2 में जो क्लास 5 के कंप्यूटर के सिलेबस होते हैं वही सिलेबस हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, MS पेंट, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, MS वर्ड, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूजिंग पैराग्राफ ग्रुप, ड्रॉप कैप, डॉक्यूमेंट व्यू, इंसर्टिंग ग्राफिंग पिक्चर्स एंड सेव, स्क्रीनशॉट, सिंबल, स्मार्ट आर्ट, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बुक, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लोरिंग इट्स फीचर्स, इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ MS पावर पॉइंट, विंडो एंड इट्स फीचर्स, इंसर्टिंग ग्राफिक पिक्चर एंड सेव, स्क्रीन शॉट, सिम्बॉल, स्मार्ट आर्ट, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर एंड एक्सप्लोरिंग इट्स फीचर्स, रनिंग स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन व्यू, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स यूजिंग विंडो 10, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन IT, फील्ड ऑफ IT एंड सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। क्वेश्चन बेस्ड जो रहता है यहाँ पर विंडो 10 एंड MS ऑफिस 16 से पे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर में बच्चों से पूछे जाते हैं क्लास 5 में। चलिए पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग। Find the combination of numbers so that later we arrange accordingly to form a meaningful English word. इसको English word को इस तरह arrange करना है कि उसके meaningful word हमारे पास निकले। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा T, फिर हो जाएगा A, फिर C, फिर हो जाएगा K, देन हो जाएगा L, ये L हो गया एंड लास्ट में हो जाएगा E। अब ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें इस तरह ये मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो इसके हिसाब से ये वर्ड आ रहा है आपका 3, 2, 4, 1, 6 एंड 5। तो ये ऑप्शन ऑप्शन बी में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टैकल्स। टैकल्स का मतलब होता है जूझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक ए गिवन फिगर। इसमें कितने स्ट्रेट लाइन की जरूरत होती है मीनिंग्स में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बीच में गया 10। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है 10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है, मोहित इज टॉलर देन, चलिए इसको हम समझेंगे पहले। मोहित इज टॉलर देन रोहित बट शॉर्टर देन समय। रोहित इज शॉर्टर देन अनिल बट टॉलर देन रघु। हु अमंग देम द शॉर्टेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। इसको सबसे पहले हम सिंबल के से हम इसको करते जाएंगे। मोहित इज टॉलर देन रोहित, तो मोहित इज टॉलर देन क्या है, रोहित, ठीक है। बट शॉर्टर देन समय, समय से वो छोटा है। देन रोहित इज, ये रोहित क्या है, रोहित इज शॉर्टर देन अनिल बट टॉलर देन रघु। तो रोहित को हम नीचे वाली लाइन में फिर से ले लेते हैं। रोहित इज शॉर्टर देन अनिल, अनिल से वो छोटा है लेकिन बड़ा किससे है, रघु से, रघु से ये बड़ा है। तो हु इज द देम शॉर्टेस्ट द रेस्पेक्ट ऑफ हाइट। तो इसमें हाइट हम देख रहे हैं, ये रोहित यहाँ आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है, अब रोहित से सबसे छोटा कौन हो रहा है, रघु। तो करेक्ट आंसर हाइट वाइज जो है रघु है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अब हमारा क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में ज्यादातर रहते हैं। फोर सेलेक्ट ऑड वन आउट, हार्ड डिस्क यूएसबी ड्राइव रैम एंड डीवीडी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रैम। रैम जो है ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में रहता है, जबकि हार्ड डिस्क यूएसबी ड्राइव एंड डीवीडी ये जो है एक्सटर्नल पार्ट होते हैं इसके, जो अलग से इसमें लगाए जाते हैं, जबकि रैम जो है सॉफ्टवेयर होता है उसमें अटैच रहता है। फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैप्चर इमेज फ्रॉम फिजिकल फॉर्मेट एंड कन्वर्टेड कन्वर्ट्स देम इंटू डिजिटल फॉर्मेट, स्कैनर माउस ओएमआर एंड प्रिंटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्कैनर। स्कैनर डिवाइस इमेज को कैप्चर करता है फ्रॉम फिजिकल फॉर्मेट, कोई फिजिकल फॉर्मेट रहते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्कैनर यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एमिट कंप्यूटर ऑडियो एज ऑडिबल ऑडियो, ट्रैक बॉल कर्सर वेबकैम स्पीकर। दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेबकैम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आउटलाइन ड्यू टू एमएस पावर पॉइंट 2016 में, इनमें से कौन सा आउटलाइन व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, पहले इसको हम हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 को हम रीड करते हुए देखते हैं। द स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंट द प्रोग्राम इन विंडो 10 इज कॉल्ड, स्मॉल पिक्चर्स जो प्रोग्राम विंडो 10 में जो रहते हैं छोटे छोटे, उसको क्या कहा जाता है, आइकॉन पिक्चर्स इमेज या ड्राइव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि अचीवर सेक्शन से रहता है, अचीवर सेक्शन से जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। व्हाइल वर्किंग इन एमएस पेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गेट्स एक्टिवेट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जी को अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या ऑप्शन के लिए, ग्रिड लाइंस जूम इन बिट मैप या थंबनेल। करेक्ट आंसर इज ग्रिड लाइन। कंट्रोल प्लस जी से हम ग्रिड लाइन बना सकते हैं, प्रेस करके हम ग्रिड लाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कपूर मेकिंग ए रिप्रेजेंट टू हिज कंपनी इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सम ग्राफिक्स ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प इन द इंसर्ट अ वीडियो क्लिप इन पावर पॉइंट 2016। इसमें से कौन सा जो है वीडियो क्लिप पावर पॉइंट 2016 में लिया जाता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।